जुड़े में बात करूंगा मैं अपनी पेड मेंबरशिप की। जैसे बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि सागा फ्लैशबैक का हमको पेड मेंबर बनना है, लेकिन वो पेड मेंबर नहीं बन पाते हैं। उसके पीछे भी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कुछ बातें क्लियर करनी ज़रूरी है ताकि आप सभी को आगे पेड मेंबरशिप लेने में, या तो आप पेड मेंबर हो तो उन सभी चीज़ों में आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले हम लोग कुछ प्रीमियम सीरीज हमारी होती है जिसका हम लोग अलग से पैकेज लॉन्च करते हैं। जिस समय करंट में हमारी जो प्रीमियम सीरीज चल रही है वो है CPL। इसके अलावा जो हमारी प्रीमियम सीरीज है, इसके पहले आपने द 100 देखा, इसके पहले आपने T20 ब्लास्ट देखा, उसके पहले आपने IPL देखा। इस तरीके से आगे जो आने वाली प्रीमियम सीरीज है, T20 वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा बिग बैश लीग आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा तमाम सीरीज आपको सुपर स्मैश देखने को मिलेगा, फिर से आपको IPL देखने को मिलेगा, PSL देखने को मिलेगा। तो ये सभी बहुत सारी प्रीमियम सीरीज जिसमें हम लोगों ने करोड़ों रुपए की विनिंग की है। अभी तक हमने 37 करोड़ के आसपास की हमने विनिंग की हुई है फैंटेसी गेम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अगर टाइम नहीं है तो हम ज़बरदस्ती का इन्वेस्टमेंट करें। हमको पता है ये हमारा जैकपॉट मैच है, इसमें हम लोग क्लियरली विन करने वाले हैं, अल्ट्रा क्लीन स्वीप करने वाले हैं। लेकिन अपने को पता है हम किसी भी मैच में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बड़ा विन हम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बारबाडोस और SKN के बीच में मुकाबला है। सितंबर क्लोजिंग चल रही है, जो हमको पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हम अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं। करना होता है हम अपने पेड मेंबर्स को ये चीज़ें बताते हैं, वो भी उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने केवल एक लीग यहाँ पे ज्वाइन की हुई है, वो भी हमारे स्टाफ ने ज्वाइन कर दी, मैंने ज्वाइन नहीं की, मैं जनरली ज्वाइन करता भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी अच्छे पॉइंट से यहाँ पे लीड कर रहे हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस अभी से क्रिएट हो गया है। और अभी तो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन की जो बैटिंग है वो सेकेंड इनिंग में आएगी, तो अभी से ही आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे पॉइंट के डिफरेंस से हम आगे चल रहे हैं। और बाकी 2999 वाले में मेंबर्स तो और भी ज़्यादा आगे चल रहे होंगे, क्योंकि कम अमाउंट वाली लीग हम लोग ज़्यादा ज्वाइन नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है ज़्यादा अमाउंट वाली लीग। इसके अलावा इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन में हमने तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन मेंबर्स इसमें भी अभी से क्लीन स्वीप कर चुके हैं। यहाँ पर पॉइंट से अंदाज़ा आप लगा सकते हो, मैं आपको टीम भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। हरलिन देओल परसेंटेज ऑफ सेलेक्शन आप देख सकते हो कितना है, मात्र इनका 18% सेलेक्शन है, इनको हमने अपनी टीम में लिया हुआ है। प्लस यहाँ पे वाइस कैप्टन हरमनप्रीत कौर की बैटिंग आपने देख ही ली होगी, कितनी शानदार बैटिंग कर रही हैं और 84 रन बना करके खेल रही हैं, हमारी वाइस कैप्टन है। दीप्ति शर्मा 10 ओवर बॉलिंग कराएंगी, प्लस बैटिंग आने पे अच्छा पॉइंट दे सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास झूलन गोस्वामी भी हैं जो कि बॉलिंग करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट इनिंग की जो ये तीन बॉलर, तीनों ने अभी तक एक एक विकेट ले लिया है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस हो सकता है, पहली बात तो इंटरनेशनल मैच है तो इसमें हमारे पास न्यूज नहीं आती है। सेकंड इनिंग में हो सकता है कि यहाँ पे डैनियल वाइट बहुत मतलब इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर दे कि हमारी जो लीड है वो ख़त्म हो जाए, या तो फिर यहाँ पे जो भी प्लेयर खेल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टैट्स में आप जाओगे, जो प्लेयर मैंने नहीं लिया है वो उन प्लेयर ने, जैसे टैमी ब्यूमोंट है, प्लेयर बड़ी है, हो सकता है सेंचुरी मार दें। तो ये सभी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होगी तभी हम लोग हारेंगे। और हम लोग इसको भी हारने के बाद भी हम ये नहीं मानते कि हम हारे हैं, हम ये मानते हैं कि हमने टीम बेस्ट बनाई थी, बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ हम गए थे। जीतना नहीं जीतना वो एक अलग बात है, क्योंकि एक मैच में किसी एक प्लेयर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से अगर हमको लॉस होता भी है तो हम उसको लॉस नहीं मानते, हम टीम बनाने के तरीके को चेंज नहीं करते हैं। जिस तरीके को अपना करके 8 साल से हमने करोड़ों रुपए विन किए, उसको हम लोग एक हार से कैसे चेंज कर दें। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। अभी क्या है कि CPL में बहुत सारे मैचेज अभी बचे हुए हैं, जैकपॉट बियॉन्ड लिमिट वाले जैकपॉट मैचेज, जिसमें एक मैच भी की भी टीम अगर आपको हमारी मिल जाए तो आप लाखों करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हो। बात करते हैं पेड मेंबरशिप की। स्क्रीन पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है 16 अक्टूबर से, 13 नवंबर तक वर्ल्ड कप चलेगा। वर्ल्ड कप ही केवल नहीं चलेगा, उसके बीच में और भी तमाम T20 लीग्स होंगी, T10 मैचेज होंगे। इसका पैकेज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी जो लॉन्च किया गया वो हमारे केवल करेंट पेड मेंबर्स के लिए है जो कि CPL में हमारे पेड मेंबर हैं। उसके भी लगभग सारे स्पॉट फुल हो चुके हैं, 99% जो हमारे CPL के पेड मेंबर्स थे उन्होंने पेड मेंबरशिप हमारी ले ली है। जो नहीं ले पाए हैं
उनको हो सकता है कि जो डिस्काउंट हम देने वाले थे करेंट पेड मेंबर्स को, वो अब नहीं दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से हम लोग पब्लिक के लिए लॉन्च करेंगे हमारा जो वर्ल्ड कप का पैकेज है, वो आप ले सकते हो। लेकिन वर्ल्ड कप वालों को अभी से हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं, डेली उनको किसी न किसी एक मैच की टीम दी जा रही है, जिससे कि वो अभी से प्रॉफिट कमाएं। उनका पैकेज स्टार्ट होगा 16 अक्टूबर से, लेकिन उनको अभी से हम बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन उनको CPL की टीम नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो CPL के पेड मेंबर नहीं है। अब यहाँ पे एक और हमारे पास पैकेज है, जो अभी आप लेकर के बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। 30 दिन का पैकेज अभी से आप ले सकते हो, मंथली पैकेज, जिसमें CPL भी कवर होगा, जिसमें इंटरनेशनल मैचेस भी कवर होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज होगी, एंड इसके अलावा पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज, 7 T20 उसमें खेले जाएंगे, एक हो चुका है। एंड इसके अलावा तमाम T10 मैचेज हैं, तमाम मैचेज हैं, और CPL सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देगा। एक एक मैच में आप लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे मैचेज CPL में अभी बाकी हैं, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो। हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है। मेंबर्स की विनिंग अगर आपको देखना है, तो 2-3 दिन से हमने मेंबर्स की विनिंग यहाँ शेयर नहीं की है, क्योंकि अभी क्या है कि 30 सितंबर तक हम लोग ऑडिट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, तो 30 तारीख तक हो सकता है हम लोग रेगुलरली वीडियो भी ना ला पाएँ, ना ही विनिंग वगैरह शेयर कर पाएँ, क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम होता है तभी हम करते हैं। जो हमको पहले से जानते हैं, उनको पता है कि मैक्सिमम मैचेज में हम लोग लाखों इन्वेस्टमेंट करके लाखों विन करते हैं, और मेंबर्स भी हमारे करते हैं। इसके लिए हमको किसी की विनिंग शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या अपनी खुद की विनिंग शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हमने शेयर पहले कर दिया है, कि अब बाकी अगर हम आने वाले 1 साल 2 साल तक भी अपनी विनिंग शेयर नहीं करें, तो भी हमारे पेड मेंबर्स हमेशा इंक्रीज ही होते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फैंटेसी फील्ड में अगर आपको विन करना है, तो हमारे अलावा उनको कोई भी विन नहीं करवा सकता। एक चीज़ और मैं बता दूं, कि कुछ लोग मैसेज करते हैं, लेकिन हमारे पेड मेंबर नहीं बन पाते हैं। पहली बात तो वो लिख के भेजते हैं हाय हेलो, हाय हेलो का हम जवाब नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ वो लिख के भेजते हैं डिस्काउंट कितना दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ डिस्काउंट हम किस खुशी में आपको देंगे। कुछ लोग हमको मैसेज करते हैं कि हमारी सैलरी कम है या हमारा बजट कम है, तो मैं आपको बता दूँ कि आप खुद से टीम बनाओ या फैंटेसी गेम खेलो ही मत। फैंटेसी गेम केवल ज़्यादा पैसे वालों के लिए ही बना है। आप सोचोगे कि आप 1,000, 2,000, 500, 600 लगा करके करोड़ों रुपए विन कर लोगे, तो मैं अभी से बता दूं वो इम्पॉसिबल है। विन कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी पेड मेंबर्स आज से 6 साल पहले आए थे, 5,000, 10,000 लेकर के आए थे, आज पर मैच 10 से 15 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैकपॉट मैच की मैं बात कर रहा हूँ, पर मैच का मतलब जो जैकपॉट मैच हमारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं फैंटेसी गेम से, क्योंकि उन्होंने लगातार हमसे पैकेज लिया। कुछ लोग हमारे पेड मेंबर एक बार लेंगे पेड मेंबरशिप, फिर उसके बाद 2 महीने तक नहीं लेंगे, फिर 2 महीने बाद लेंगे, फिर 1 महीने तक नहीं लेंगे, इससे आपका फ्लो टूट जाता है। बहुत सारे रूल्स हम बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं, आप उन चीज़ों से अपडेट नहीं हो पाते हो। डेली फैंटेसी चेंज हो रहा है, डेली टीम बनाने का तरीका चेंज हो रहा है, डेली प्लेयर्स के परफॉर्मेंस में चेंजेज आ रहे हैं। आजकल के जो प्लेयर्स हैं काफ़ी स्मार्ट हो गए। पहले आप बहुत सारे हिट एंड मिस वाले प्लेयर को अपनी टीम में नहीं रखते थे, तो आप बेनिफिट में जाते रहे, लेकिन आजकल आप मिस भी नहीं कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, फैंटेसी भी दिन पर दिन चेंज हो रहा है, टीम बनाने का तरीका चेंज हो रहा है, उसमें भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो आप जब तक पेड मेंबरशिप नहीं लोगे, आप विन करोगे, लेकिन वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्राइम प्लान लेते हैं 10,000 का 20,000 का, जो भी हमारे ब्रोकर कंपनी है उनसे, तब जाकर के उसमें हमको ब्रोकरेज वगैरह में डिस्काउंट मिलता है, तब जाकर के रिसर्च एंड रिकमेंडेशन के हमारे पास मेल्स आते हैं, तब जाकर के हम लोग इतने सक्सेसफुली शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो आपको अगर लगता है कि भीड़ का हिस्सा बन के अगर आप रहोगे और आप बड़ा विन कर जाओगे, तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो आप खुद को चेंज करिए, आपकी विनिंग चेंज होगी, आपकी लाइफ चेंज होगी, और आप वो लाइफ में अचीव कर पाओगे जिसका सपना लेकर के आप इस फैंटेसी के मार्केट में उतरे थे। आप सभी ने हम ही लोगों की विनिंग करोड़ों की देखी होगी, तभी आपके मन में भी लालच आया होगा कि हम भी करोड़ों विन कर सकते हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि करोड़ों विन करने के लिए हमने क्या किया। हम लोग लाखों रुपए पेमेंट करते हैं न्यूज कलेक्ट करने के लिए। हम भी सोच सकते रहे कि वो लाखों हम बचा सकते हैं, लेकिन हम बचाने के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा पाना है तो आपको खोना भी पड़ेगा। आपको खुद के अंदर चेंज लाना होगा, तभी आपकी लाइफ स्टाइल में भी चेंजेज आएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऑलरेडी सारे स्पॉट फुल हो चुके हैं, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप लीजिएगा, अदरवाइज हमारे पास हज़ारों मैसेज आते हैं, उसमें से 1, 2, 3 लोगों को ही पेड मेंबरशिप दी जाती है, जो डिजर्व करते हैं, जो हमको लगता है कि हमारे बताए हुए नियम को फॉलो करते हुए
वो विन कर सकते हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके फैंटेसी करियर के लिए।